हेलो, क्या आप इस बार का बिग बॉस ओटीटी देख रही हैं? जी देख रही हूँ। कल का एपिसोड देखा था आपने? हाँ। क्या लगता है इस बार कौन अच्छा खेल रहा है? देखा जाए तो चंद्रिका जो है वो काफ़ी लाइक माइंड गेम्स खेल रही है लोगों के साथ, लाइक इसको किसी इसको कुछ और बोल रही, उसको कुछ और बोल रही, बेसिकली चुगली लगा रही थी। अभी कल के एपिसोड में जब नॉमिनेशन वाला टास्क हुआ तो विशाल ने अरमान को उसके बाद चुगली वाली आंटी का टैग दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो चंद्रिका और उनके बीच में आग लगा रहे हैं। तो उस पर आपका क्या राय है? बिल्कुल नहीं, आई थिंक वो टैग वाज फॉर नो रीजन, बिकॉज चुगली किसी और ने लगाई थी ना, सो हाउ इज इट पॉसिबल, लाइक इट मेक्स नो सेंस। एंड देखा जाए तो वो सिर्फ अपने बोल रहा था कि हाँ कि उसने कुछ और किया। क्या लगता है इस हफ्ते कौन एलिमिनेट होगा? चंद्रिका को ही होना, व्हाट आई थिंक, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन होने वाला है, कौन कुछ होने जा रहा है, आई थिंक चंद्रिका शुड गेट एलिमिनेट। ओके, थैंक यू। हेलो, क्या आप इस बार का बिग बॉस ओटीटी देख रही हैं? देख रही हूँ। क्या लगता है कौन अच्छा खेल रहा है? आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? वेल, फिलहाल तो रणवीर है। रणवीर अच्छा खेल रहे हैं? क्यों अच्छा खेल रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली उनका कुछ पेक कंटेंट तो दिख नहीं रहा है, वो गेम खेलने आए और लग भी रहा है कि यस ही इज देयर फॉर इट। अभी कल के एपिसोड में नॉमिनेशन वाला जो टास्क हुआ उसके बाद विशाल ने अरमान को एक टैग दिया, चुगली हाँ, वाली आंटी, आपने हाँ, देखा था? हाँ देखा था। आपको क्या लगता है वो सही था टैग देना? वेल, आप ये मैं तो बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप गेम खेलने आए हो या फिर टैग दे, यू शुड नॉट गिव एनी टैग। पहले आप खुद को देखिए ना, फिर दूसरों को बोलिए, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो भी गलत है। वो उन दोनों के बीच में चुगली लगा रहे थे, चंद्रिका और विशाल के बीच में, तो उसमें क्या कहना है, सही कर रहे थे गलत कर रहे थे? गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बिग बॉस को फॉलो कर रही हैं? हाँ करती हूँ। लास्ट सीजन के मुकाबले इस सीजन कितना अच्छा लग रहा है आपको? माइनस में। माइनस में। सभी का कहना है इस बार कंटेस्टेंट उतने अच्छे नहीं आए हैं। बिल्कुल, मेंशन नहीं करना। किसका परफॉर्मेंस आपको निराश कर रहा है इस बार, मतलब आप चाहती थी कि वो डिजर्व नहीं करते घर में रहना, ऐसा कोई है? ओके, थैंक यू सो मच। हेलो, क्या आप इस बार का बिग बॉस देख रही हैं? क्या लगता है इस बार कौन अच्छा खेल रहा है? आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? मुझे लगता है कि रणवीर अच्छा ही खेल रहा है अभी तक, बाकी कोई नॉमिनेशन वाला टास्क देखा था आपने? कल जब सना और लवकेश ने नेजी को नॉमिनेट किया तो नेजी सना को बोल रहे थे कि अगर वो उनके जगह होते तो उन्हें नॉमिनेट नहीं करते, उस सुन के सना थोड़ी भावुक हो गई थी। उसमें आपका क्या कहना है कि सना ने सही किया या गलत किया? नहीं, सना ने बिल्कुल गलत किया, लाइक मतलब उसको कोई कैसे नॉमिनेट कर सकता है, आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए, वो क्या था गेम प्ले कर रही थी उसका उनको ही पता। इनफैक्ट अनिल सर ने भी बोला कि डे वन से उनके ऊपर ये है कि उनका कुछ क्लियर नहीं दिखता, हाँ। किसके साथ फ्रेंडशिप उनका कुछ पता नहीं चलता, हुँ. क्या कहना है? ऑडियंस को भी कुछ क्लियर आउट नहीं है कि एग्जैक्टली वो कर क्या रहे, और कल भी उन्होंने जो किया उसके बाद तो लाइक समझ में ही नहीं आ रहा है, लाइक अपने दोस्तों कर क्या कह सकते हो। वैसे भी इस बार का बिग बॉस मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, मतलब मुझे वैसे भी पसंद था लास्ट टाइम इन्फ्लुएंसर्स आए थे, यूट्यूबर्स आए थे, दैट्स व्हाई वाज लाइक कि चलो देखते हैं, बट इस बार इतना कुछ मेरा वैसे मेरे को बिग बॉस देखने का मन नहीं कर रहा। ओके, थैंक यू भाई। आप क्या इस बार का बिग बॉस ओटीटी देख रहे हो? नहीं भाई, नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम भी नहीं मिल रहा और कॉलेज के स्टडीज भी होता है और ट्रैक कर रहा हूं। बिग बॉस मतलब पसंद नहीं है कि देखते ही नहीं हो? बिग बॉस ऐसे पसंद ही नहीं है, कंसेप्ट ही बेकार है। बट ये वाला सीजन बहुत चल रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। पता नहीं भाई, हम तक तो खबर आई नहीं कि कौन पसंद कर रहा है, या किसी ने सजेशन तो दिया नहीं देखने का। तो ऐसा तो नहीं कि ओटीटी वाला नहीं देखते और टीवी वाला पसंद हो? दोनों नहीं देखते, कभी बिग बॉस पसंद ही नहीं था। ओके, थैंक यू। हेलो, क्या आप इस बार का बिग बॉस ओटीटी देख रही हैं? नहीं। क्यों, आप बिग बॉस नहीं देखती? क्यों? क्योंकि आई थिंक
थिंक हमारी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रियल ड्रामा होता है और ये लोग फालतू में कमर्शलाइज करने के लिए फेक ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं. प्लस दूसरी बात, ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड रहता है. कितना भी रियलिटी शो बोल लो, सब कुछ स्क्रिप्टेड है. उससे अच्छा मेरी अनस्क्रिप्टेड लाइफ चल रही है, उसमें ऑलरेडी बहुत ड्रामा है. एक तो लाइफ में ऑलरेडी इतना टेंशन है, प्लस तुम दूसरा अपने फेवरेट कंटेस्टेंट का टेंशन. बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज है वर्ल्ड में डिस्कस करने के लिए, बट तुम डिस्कस करोगे कि ये वाला कंटेस्टेंट ज़्यादा डिजर्विंग है कि ये वाला. और एक्चुअल जो लाइफ के करियर के प्रॉब्लम्स है वो कोई डिस्कस नहीं करता है. इसके लिए मैं बिग बॉस देखती ही नहीं, ना ही ये स्टूपिड डिस्कशन का पार्ट बनती हूँ. बट डिस्कशन हो कि क्यों नहीं देखना चाहिए, इसमें आई एम ऑलवेज अप. आई कैन बट ये वाला सीजन सब बोल रहे हैं कि अच्छा चल रहा है, बहुत लोग देख रहे हैं. इंटरेस्ट टाइम और कुछ भी नहीं है. इंटरेस्ट नहीं है, टाइम नहीं, कभी भी नहीं. बिग बॉस पसंद नहीं शुरू से ही. सलमान की फैन हूं बट बिग बॉस के. ओके थैंक यू. इस बार सलमान भी नहीं है शायद, इसीलिए क्या ही फायदा.